यौमे शोहदा पुलिस पर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। पुलिस लाइन सियालकोट में यौमे शोहदा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। डीपीओ सियालकोट, एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी साहिबान, दीगर पुलिस अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा की यादगार पर सलामी पेश की। डीपीओ अब्दुल गफार कैसरानी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जाते बुलंदी के लिए दुआ की गई। क्राइम रिपोर्टर यासर अली की रिपोर्ट के मुताबिक यौमे शोहदा पुलिस पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस लाइन सियालकोट में एक सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से के दौरान किताब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफार कैसरानी ने कहा कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। शोहदा पुलिस के जवान और अफसरान महकमा के माथे का झूमर हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। आज तजदीद अहद का दिन है, हम मुल्क कौम और अवाम की जानों माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और इस मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। बाद अजां पुलिस शोहदा की 67 फैमिलियों को डीपीओ अब्दुल गफार कैसरानी ने फूलों के गुलदस्ते और तहफ भी तकसीम किए। तर्जमान सियालकोट पुलिस।